बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू से पाक साहब के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बना रही हैं उस्मान के और मेरे फेवरेट कढ़ी चावल। तो पकौड़े हम वहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि स्वी गैस बहुत कम आ रही है। तो ये उस्मान मेरी हेल्प करते हुए, उस्मान कैसा लग रहा है मेरी हेल्प करते हुए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह अच्छा रहने तो मैं कर लेती हूँ, दे दो। ठीक है कर लें फिर। उस्मान सलाद बना रहे हैं तो कढ़ी तकरीबन तैयार है। तो ये साथ में बॉइल्ड राइस बनाए हैं। तो जी खाते हैं फिर मिलती हूँ आपसे, पकौड़े वगैरह बना ले इनका। चले आज आपको दिखा दूँ कि उस्मान भी मेरी मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको इतना केयरिंग हस्बैंड दे, आमीन सुमा आमीन। जी मैंने पकौड़ा, चले जी ये मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको लगाना है तड़का। तड़का लगाते हैं, मुझे तड़का मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो जी ये कढ़ी बिल्कुल तैयार है मेरी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी। अभी ये ऑयल ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ना तो ऑयल इसमें रिजोल्व हो जाएगा। और साथ में कढ़ी चावल इंजॉय करते हैं खा के, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो जी जैसे खाना खाया तकरीबन रात के 10 बज चुके थे तो अपी की कॉल आ गई कि मेरी तरफ आ जाएं। तो अब हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरे का रिजल्ट अंधेरे में बिल्कुल नहीं आता। तो जी हम यहाँ पे आए थे अपी के घर, तो कुछ चाय शाय साथ पी और साथ में बैठे हुए थे न्यूली दूल्हे राजा, ये जिसकी शादी लास्ट वीक हुई है, हमने अटेंड की थी। तो बस यहाँ से वापी से गपशप करने के लिए चले गए। तो ये जो बैठे हुए कैब में, ये मेरी भांजी के हस्बैंड है। तो जी ये जो खड़ा हुआ है सबसे लंबे वाला, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। तो ये बनाता है टिकटॉक, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका और माशाल्लाह बहुत वायरल, मिलियंस में जाती है इसकी वीडियोस माशाल्लाह से। तो यहाँ पे वो मेरे घर में बना रहा था टिकटॉक, तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा शूट करके अपने व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। पता नहीं वो केरिया मावा वा जेरिया अपने औलाद ते जान भी छावर कर दे दिया। वैसे मैं घर छड़ के चला वा, बस जी यहाँ पे अब मैं सफाई वगैरह सारी कर रही हूँ, सारे टपरी वगैरह लगा रही हूँ। आज दावत है, कहीं वहाँ भी जाना है। सच में दावतें भी इतनी आ जाती है ना जब उस्मान आ जाते हैं माशाल्लाह से। तो घर में तो कभी कभार ही कुकिंग कर रही हूँ जब से उस्मान आए हैं। एक तो मुझे सांस चढ़ जाती काम कर करके ना, अभी बाहर से सारा झाड़ू वगैरह लगा के आई हूँ तो सांस चढ़ गई है। मुझे ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दी थी सजेशन कि आप ना वॉइस, पहले आप वीडियो बना लेती हैं बाद में आप वॉइस ओवर करती हैं, आप ऐसे मत किया करें, आप वीडियो के साथ साथ ही बोला करें। तो इसलिए अब से मैंने डिसाइड किया है जब भी वीडियो बनाऊंगी साथ में ही वॉइस बोलूंगी मैं, बाद में वॉइस ओवर नहीं करूंगी। तो बस अभी मैंने बर्तन भी वॉश किए, फिर जमा हो गए बर्तन, ये कुछ चीज़ें वगैरह ला के रखी हैं किचन में भी। चलो ये जल्दी जल्दी से काम करके फारिग होके फिर मैंने तैयार होना है। अभी पहले चाचू के घर जाना है, फिर वहाँ से भांजी है उसके घर में दावत है तो वहाँ पे जाना है हमने। तो जी घर को तो कर लिया है नीट एंड क्लीन और आज मैं ये ब्लीच क्रीम यूज़ करने वाली हूँ केयर वालों की, उनका चले उस्मान आए इस्तेमाल कर लूँ, थोड़ी प्यारी हो जाऊँ मज़ीद। किसका नहीं दिल करता हस्बैंड के होते हुए प्यारा सा बन के रहने का, हर बीवी का दिल करता है। तो मैं ये लगाती हूँ, तैयार श्यार होती हूँ, फिर आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा ड्रेस। तो बस ना ब्लीच क्रीम फेस पे लगा के तो मैं बैठ गई हूँ झूले में, सफाइयाँ वगैरह सारी कर दी अंदर मैंने, लाइट्स वगैरह ऑफ करके ना। तो पंखे चलाए हैं क्योंकि अंदर गर्माइश होती है तो सारी मक्खियाँ अंदर चली जाती हैं।
तो बस उस्मान बच्चों को लेके ज़रा बाहर गए थे, कह रहे थे तुम डस्टिंग वगैरह कर लो, सफाई कर लो घर की, तो फिर मैं आता हूँ तो तैयार होते हैं। मैंने भी अभी स्टिच करवाए हैं न्यू कपड़े, भाभी के घर से लेने जाने हैं, उस्मान आते हैं तो लेके आती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। तैयार होके मैं सर से पाऊँ तो आपको अपना पूरा ड्रेस दिखाऊँगी, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कैसा लगा, ठीक है। वाला ड्रेस है जो आज मैं भांजी के घर दावत है वहाँ पे पहन के जा रही हूँ। मैंने फ्रॉक सिलवाई है चुंटों वाली, तो हल्की फुल्की सी चुंट है, मुझे वैसे ना फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है, तो साथ में मैंने ये वाली मिरर वाली लेस लगवाई है साथ में, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत नाइस सा प्रिंट था ये, उस्मान ने पसंद किया था। साथ में ये ग्रे कलर का ट्राउज़र है, कैप्री जिसे बोलते हैं, और साथ में ये वाला दुपट्टा, दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसका ना, बहुत ही नाइस दुपट्टा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ये मैं अभी आपको पहन के भी दिखाती हूँ, ठीक है। साथ में चूड़ियों की कलेक्शन कर रही थी कि क्या पहनूँ मैं, तो वो देख रही हूँ, शायद ये ग्रे वाली साथ चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी मेरे ख्याल से, तो ये भी पहनूंगी साथ में, तो आपको तैयार होके फिर दिखाती हूँ मैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है ये ड्रेस कैसा है, बाकी भी ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। 4 सूट मैंने स्टिच करवाए हैं लेकिन फ़िलहाल मुझे यही मिला है, तो मैं भाभी से ले आई हूँ क्योंकि अभी पहन के जाना है, पहले चाचू की तरफ जाना है फिर भांजी की तरफ, तो फिर बाकी भी आपको दिखाती हूँ। चलो ये है जी मेरा दुपट्टा, इसके साथ ये मैंने साथ में फ्रॉक सिलवाई है और साथ में मेरे शूज, कैसे लगेंगे फाटो पीछे तो सही से नजर आ रहा है ना ड्रेस प्रॉपर, तो चल के जूता भी बना है, जूतों की भी है, जूता कितना ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मेरी फातिमा ने स्कर्ट पहनी है, साथ में लेगी है, साथ में ये कोट है, और फातिमा ने मेकअप भी किया हुआ है। घूम के दिखाना पोनिया की ये फातिमा ने, तो माशाल्लाह बेटा, ये मेरा बेटा है मोहम्मद, मोहम्मद इधर आओ। मोहम्मद ने पहनी हुई ये जैकेट और साथ में जीन्स पहनी, साथ में इतने प्यारे शूज पहने हुए हैं मोहम्मद ने। मोहम्मद जरा दूर से चल के आना, फातिमा आप भी भैया साथ दूर से चल के आना, सबको दिखाएं। बस बस आ जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं भैया आप आ जाओ, बहन अभी आ जाती, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम चलने लगे हैं वहाँ पे भांजी के घर दावत में, अगर देखती हूँ ज्यादा व्लॉग लंबा ना हुआ, मून के घर अगर व्लॉग ज्यादा लंबा ना हुआ तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो, वरना वो कल वाली दावत वाली ऐड करूंगी मैं इसमें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर भी एक दफा कह दूंगा, तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।